पेश है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की टॉप 10 प्लस खबरें। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए मेहनत कर रहे चिकित्सा अधिकारियों और डॉक्टरों के लिए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने जिला अस्पताल के नजदीकी होटल्स को अधिग्रहण करने की कवायद शुरू कर दी है। इन होटल्स में डॉक्टर रिजर्व रहेंगे, जो आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल में तुरंत पहुँच जाएंगे। इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर गुंजन सोनी ने आज प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के एस कामरा से बातचीत करके अस्पताल के नजदीकी होटल्स की जानकारी मांगी। श्रीगंगानगर अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर गुंजन सोनी ने आज पुलिस उप अधीक्षक राहुल यादव को लॉकडाउन के दौरान शहर में आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को पुलिस द्वारा परेशान नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को शिकायतें मिल रही है कि खाद्य वस्तुओं को लेकर आने वाले वाहनों को पुलिस रोक रही है, दुकानों पर जाने वाले दुकानदारों को पुलिस रोकती है, ऐसे में समाज में गलत संदेश जा रहा है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश में घोषित लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को दी जा रही राहत और परेशानियों के बारे में 4-4 घंटे में जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब कर रही है। आज दोपहर जिला प्रशासन की ओर से राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में प्रशासन और पुलिस की ओर से आम लोगों को दी जा रही राहत की रिपोर्ट भेजी। पुलिस प्रशासन ने भी लोगों को घरों में रहने के लिए किए जा रहे प्रयासों और राशन वितरण करने की जानकारी भेजी है। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के अंदेशे से चल रहे लॉकडाउन के बीच जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते का वीडियो यूट्यूब पर SBT न्यूज चैनल पर प्रसारित हुआ। इस वीडियो में जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार के निर्देशों पर आम जनता की सुविधा के लिए जिला प्रशासन की ओर से की जा रही व्यवस्थाओं का ब्यौरा दिया। इस वीडियो को बड़ी तादाद में लोगों ने देखा और कमेंट करके लॉकडाउन के दौरान आ रही समस्याओं का जिक्र करते हुए राहत की गुहार लगाई है। लोगों ने बाजार में जरूरी चीजों के भाव बढ़ने की शिकायत की है। राशन की दुकानों के खुलने और बंद होने के समय के बारे में भी लोगों ने कमेंट करके पूछा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस द्वारा पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर के सीता कॉलोनी चौकी क्षेत्र की पुलिस ने दुकानों के आगे गोल घेरे बनाते हुए इनकी पालना का आह्वान किया। किराना दुकानों पर राशन सामग्री लेने के लिए पहुंचने वाले लोगों की अधिक संख्या को देखते हुए ये व्यवस्था की जा रही है। गुरुवार को सीता कॉलोनी चौकी क्षेत्र की पुलिस ने दुकानों के आगे गोल घेरे बनाए। साथ ही पुलिस ने चूने से बनाए इन घेरों में खड़े होकर लोगों से अपनी बारी का इंतजार करने की अपील की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन के महत्व को समझने और अपनाने की जरूरत है, ऐसा ही किया आनंद विहार कॉलोनी के लोगों ने। हनुमानगढ़ रोड से सटे इस कॉलोनी में 5 गेट और करीब 350 घर हैं। कोरोना संक्रमण के चलते कॉलोनी को पूरी तरह से पैक कर दिया गया है। ये निर्णय कॉलोनी में रहने वाले लोगों की सेफ्टी के चलते किया गया है। कॉलोनी के विजय मित्तल ने बताया कि कॉलोनी में 5 गेट हैं, इनमें से 4 पर ताले लगाए गए हैं, वहीं एक छोटा गेट खुला रखा है जिस पर भी चौकीदार बैठा रहता है। जरूरी कार्य के बिना यहां से न तो कोई बाहर जाता है और न ही कोई अंदर आता है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से आज दोपहर राशन सामग्री को रवाना किया गया। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते और विधायक राजकुमार गौड़ ने खाद्य सामग्री की गाड़ी को रवाना किया। इस सामग्री को शहर के विभिन्न स्थानों में वितरित किया जाएगा। नगर परिषद आयुक्त प्रियंका बुड़ानिया ने बताया कि नगर परिषद ने अब तक 44 वार्डों का सर्वे करवाया है। इन वार्डों में 1526 लोगों को राशन सामग्री वितरित करने के लिए चयनित किया गया है। श्रीगंगानगर अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर गुंजन सोनी ने आज जिला मुख्यालय पर गठित वॉर रूम के प्रभारी अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम में आने वाली हर सूचना को गंभीरता से लिया जाए, आम आदमी की हर संभव मदद की जाए, कोई भी व्यक्ति राशन के अभाव में भूखा न रहे। एडीएम प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि हर काम के लिए अलग अलग प्रकोष्ठ नियुक्त करके जिम्मेदारी तय की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए श्रीगंगानगर में कृषि उपज मंडी समिति की सख्ती का असर गुरुवार को सुबह दिखाई दिया। आज थोक व्यापारियों ने समय रहते ही अपना व्यवसाय पूरा कर लिया। नई धान मंडी स्थित फल सब्जी मंडी में सुबह ग्राहकों की संख्या भी कम रही। वहीं सुबह 10 बजे से पहले ही थोक विक्रेताओं को मंडी से बाहर निकाल दिया गया। कृषि उपज मंडी समिति प्रशासन ने खुदरा विक्रेताओं को मंडी के बाहर और रेहड़ी वालों को गली मोहल्लों में जाकर सामान बिक्री के लिए पाबंद करते हुए मंडी से बाहर निकाल दिया। कोरोना से बचाव के लिए प्रभावी किए गए लॉकडाउन में भी आपराधिक वारदात करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। बुधवार रात को अज्ञात ने रायसी नगर कस्बे के एक मंदिर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गुरुवार सुबह मंदिर खुलने पर घटना का पता चला। जानकारी के अनुसार अनुपगढ़ रोड पर स्थित गांव 52 NP के हरिराम बाबा मंदिर में चोरी की वारदात हुई। अज्ञात ने मेन गेट के ताले तोड़कर मंदिर में प्रवेश किया। अंदर जाने के बाद मंदिर में रखी गुल्लक सहित अन्य सामान चुराया। कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान आमजन से सोशल डिस्टेंस की अपील का असर दिखने लगा है। गुरुवार को श्रीगंगानगर में भी लॉकडाउन का दूसरा दिन रहा और इसका असर भी देखने को मिला। पुराने आबादी उदाराम चौक, दुर्गा मंदिर, तय बाजार, रविंद्र पथ, गौशाला रोड, जवाहर नगर ब्लॉक एरिया, सेठिया कॉलोनी,
प्रेमनगर और सद्भावना नगर समेत शहर के कई इलाकों में लोग सुबह जरूरत का सामान लेने घरों से निकले और दुकानों तक पहुंचे। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे से दूरी का बड़ा ही अनोखा तरीका अपनाया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क मांगने गए तकनीकी कर्मचारी से कैशियर ने मारपीट कर डाली। इसकी शिकायत मिलने पर उच्च अधिकारियों ने मारपीट के आरोपी कैशियर को निलंबित कर दिया। घटना रायसी नगर के विद्युत विभाग में बुधवार दोपहर की है। पीड़ित तकनीकी कर्मचारी ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस थाने में परिवाद दिया है। रायसी नगर कस्बे में लॉकडाउन के दौरान उपखंड प्रशासन ने राशन आपूर्ति के लिए आमजन को राहत दी है। इसके तहत क्षेत्र में राशन की दुकानें रोजाना खुलेंगी। अभी प्रशासन की ओर से 24 दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, ताकि राशन आपूर्ति में व्यवधान नहीं आए। जानकारी के अनुसार प्रशासन ने गुरुवार से शहरी क्षेत्र में 24 राशन और किराना दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। इनमें 21 छोटी दुकानें और 3 बड़ी दुकानें हैं। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए अनुमति हासिल करने के लिए राशन दुकानदार आज श्रीगंगानगर रसद विभाग कार्यालय में उमड़ पड़े। इस पर उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहकर वहां से वापस रवाना कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि पुलिस राशन की दुकानों को बंद करवाती है, इससे परेशान दुकानदार आज अनुमति लेने के लिए काफी संख्या में ऑफिस में इकट्ठे हो गए। किराना यूनियन ने भी कोरोना पर नियंत्रण करने में मदद करने के लिए राशन की दुकानों को सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है। रायसी नगर कस्बे में सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनने पर पुलिस ने मोटरसाइकिलों पर लगी एक्स्ट्रा लाइटें हटवानी शुरू कर दी है। गुरुवार को नाका लगाकर पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों से समझाइश करते हुए एक्स्ट्रा लाइटों को हटवाया। पुलिस थाने के SI मनसाराम ने बताया कि मोटरसाइकिलों पर लगी एक्स्ट्रा लाइटें अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती है। रात के समय बाइक पर लगी इन एक्स्ट्रा LED लाइटों की वजह से सामने वाहन चालक की आंखें चौंधिया जाती है। इसी वजह से बुधवार रात एक युवक बाइक से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।